रिलायंस और डिज्नी ने एक बड़ी डील की है। दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर ला रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वॉयकॉम 18 और वॉल्ट डिज्नी ने जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस डील के तहत वॉयकॉम 18 को स्टार इंडिया में मर्ज किया जाएगा। नीता अंबानी नई कंपनी की चेयरपर्सन होंगी, वहीं वॉल्ट डिज्नी के पूर्व एग्जीक्यूटिव उदय शंकर वॉइस चेयरपर्सन होंगे। एंटरटेनमेंट बॉन्ड्स को तैयार करने के लिए रिलायंस और डिज्नी ने करार किया है। रिलायंस इंडस्ट्री की वॉयकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ समझौता हुआ है। दोनों ही कंपनियों ने जॉइंट वेंचर बनाने का फैसला लिया है, जो वॉयकॉम 18 और स्टार इंडिया के बिजनेस को आपस में जोड़ेगी। इस साझेदारी में रिलायंस 11,500 करोड़ का निवेश करेगी और डिज्नी कंटेंट लाइसेंस प्रदान करेगी। डील को लेकर लंबे वक्त से हो रही थी चर्चा। अपने पास ज्यादा हिस्सेदारी रखेगी रिलायंस और डिज्नी डील को लेकर बात लंबे समय से चल रही थी। डिज्नी अपने इंडियन एसेट्स बेचकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन डिज्नी सीईओ बॉब आइगर ने कंफर्म किया कि वो भारत में ही रहना चाहती है, क्योंकि ये एक उभरता हुआ बाजार है, जिसके बाद से नई पार्टनरशिप हुई। ये पार्टनरशिप रिलायंस ग्रुप के साथ हुई। दोनों पार्टियों के बीच हुई इस पार्टनरशिप की वैल्यू 70,000 करोड़ रुपए है। इस पार्टनरशिप में रिलायंस अधिकतर हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। 16.34% रहेगी रिलायंस इंडस्ट्री की हिस्सेदारी। 46.82% रहेगी वॉयकॉम 18 की हिस्सेदारी। 36.84% रहेगी डिज्नी की हिस्सेदारी। इस पार्टनरशिप में रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी वॉयकॉम 18 की हिस्सेदारी 46.82% रहेगी और 16.34 के साथ रिलायंस इंडस्ट्री की हिस्सेदारी रहेगी। इसके अलावा डिज्नी की हिस्सेदारी 36.84% रहेगी। इस पार्टनरशिप के विकास के लिए रिलायंस 11,500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी। जियो सिनेमा, हॉटस्टार एक ऐप में होंगे शामिल। रिलायंस और डिज्नी नई पार्टनरशिप में स्टार टीवी नेटवर्क, हॉटस्टार, स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा कंटेंट को एक साथ लेने जाएगी और जियो सिनेमा कंटेंट को एक साथ लेकर आएगी। हालांकि अभी तक कंपनी ने आने वाले प्लेटफॉर्म के नाम की जानकारी नहीं दी है। क्या एक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे कई प्लान? मौजूदा वक्त में जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। जियो सिनेमा प्रीमियम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के अभी अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान हैं। हालांकि दोनों के प्लान एक साथ कब तक मर्ज होंगे उसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। 2025 की शुरुआत में डील पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।